मुख्यमंत्री ने जिले के कोरोना नियंत्रण के प्रभारी मंत्रीगण अधिकारी कलेक्टर कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक व जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक की और कोरोना नियंत्रण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीसी के दौरान कहा कि प्रदेश में कोरोना का प्रसार रुका है, रिकवरी बढ़ी है और पॉजिटिव रेट में कमी आई है। यह आप सभी की मेहनत का परिणाम है। कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को रोका जाए, कड़ाई यथावत रखें, उपार्जन उद्योग और मनरेगा के कार्य कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चलाए जाएं। गेहूं का एक एक दाना बिकने तक गेहूं की खरीदी जारी रहेगी। 2 माह के राशन केंद्र व 3 माह का राशन मध्य प्रदेश शासन निःशुल्क बांट रही है। स्ट्रीट वेंडर्स को 1,000 की सहायता राशि इस सप्ताह दी जाएगी। अनाज वितरण में नए नाम पात्रता सूची में जोड़े गए हैं, उन्हें भी अनाज वितरित किया जाएगा। किल कोरोना अभियान 2 का क्रियान्वयन तेजी से शुरू किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ANM कार्यकर्ता सहित पूरा अमला इसमें लगा हुआ है। वैक्सीनेशन की 45 लाख डोज खरीदी का आदेश सरकार ने दे दिया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के नए स्रोत खोजे हैं। अस्पताल ऑक्सीजन की कमी की सूचना पहले दे ताकि समय पर उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। पीतमपुर में बड़े ऑक्सीजन प्लांट जो बंद थे उन्हें चालू किया गया है। अब पीतमपुर में 30 से 32 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में छोटे बड़े मिलाकर 58 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में 29% बेड खाली है। जरूरत पड़े तो हम और कोविड केयर सेंटर बनाएंगे। विधायक सांसद भी जन सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाएं। योग से निरोग अभियान में 5,000 प्रशिक्षक होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट को योग सिखा रहे हैं। काढ़ा वितरण शुरू हो गया है। होम आइसोलेशन के मरीजों पर ध्यान दें, उनसे दिन में 2 बार बात की जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के निरंतर प्रयास जारी है। नीमच कलेक्ट्रेट में हुई वीसी के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलीचा, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।